एपिसोड की शुरुआत में बुआ और यांग उसी जगह को फिर से चेक करने के लिए आते हैं जहां पर उन्हें मशरूम्स मिले थे, पर वो आकर शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि उस जगह पर खुदाई की गई थी और वहां अब एक भी मशरूम नहीं था। उन्हें वहां पाओ देख लेता है और वो ये बात जाकर सीधा सॉन्ग को बताता है। बुआ यांग से कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैडम ली और जिया को पता चल गया हो और उन्होंने ही वहां खुदाई करवाई हो। यांग कहता है, अगर ये बात सच है तो हमें केयरफुल रहना होगा। तभी पाओ वहां आता है और उन दोनों से कहता है, मिस्टर सॉन्ग आपसे मिलना चाहते हैं। यांग और बुआ मिस्टर सॉन्ग से मिलने के लिए जाते हैं। सॉन्ग उनसे कहता है, क्या तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम दोनों घर के पीछे उन मशरूम्स को चेक करने के लिए गए थे। तभी बुआ कहती है, आप उन मशरूम्स के बारे में जानते हैं। सॉन्ग कहता है, तो वो तुम ही लोग थे जो डॉक्टर ची के पास उन मशरूम्स को ले गए थे, तुम्हें उन मशरूम्स को लेकर शक क्यों हो रहा है। बुआ यांग से कहती है, हमें मिस्टर सॉन्ग को सच बता देना चाहिए, जिससे कोई तो हमारे साथ होगा जो हमारी मदद कर सकेगा। पर यांग सच नहीं बताता। वो सॉन्ग से कह देता है, मुझे ये मशरूम्स थोड़े वियर्ड लग रहे थे, इसलिए मैं इन्हें लेकर डॉक्टर ची के पास गया था। सॉन्ग कहता है, तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो, उस दिन भी तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुम्हें लगता है कि मैं इस बार भी तुम्हारा विश्वास कर लूंगा। यांग कहता है, हाँ मुझे पता है, मैं एक नॉनसेंसी बात के बारे में जानने के लिए चला गया, पर मुझे इसमें मेरी कोई गलती नहीं लगती। तो सॉन्ग कहता है, जितना तुम इस तरह रिएक्ट करोगे उतना ज्यादा ये बात सच हो जाएगी कि तुम झूठ कह रहे हो। कहीं उन मशरूम्स का ली के साथ तो कुछ लेना देना नहीं है ना, या फिर उन मशरूम्स का टियन के सीक्रेट से तो कुछ लेना देना नहीं है, तुम टियन के सीक्रेट के बारे में जानते हो। यांग कहता है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो सॉन्ग कहता है, आखिरकार टियन का सीक्रेट इतना ज्यादा सीरियस है क्या, जिससे हमारी सॉन्ग फैमिली इफेक्ट हो जाएगी, तुम लोग उस सीक्रेट को छुपाने में क्यों लगे हो। यांग बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। तभी ली सॉन्ग के लिए सूप लेकर वहां आती है। बुआ और यांग को वो वहां देखकर सॉन्ग से कहती है, मैंने आपको कभी भी इस तरह बुआ और यांग से बात करते हुए नहीं देखा, क्या कोई सीरियस बातें चल रही हैं। सॉन्ग उसे मशरूम्स के बारे में कुछ नहीं बताता, बल्कि वो उससे कह देता है कि यांग हमेशा की तरह बाहर घूम रहा था, इसलिए मैं उसे डांट रहा था। बुआ भी सच छुपाने के लिए सॉन्ग से कहती है, प्लीज आप उसे डांटना बंद कर दीजिए। तभी यांग कहता है, उन्हें डांटने दीजिए, अगर वो मुझे गाली नहीं देंगे तो उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। बुआ भी उसके पीछे पीछे जाती है। बुआ यांग से कहती है, तुमने मिस्टर सॉन्ग को सच के बारे में क्यों नहीं बताया। तो यांग कहता है, क्योंकि अगर ये सच में वैसा ही है जैसा हम सोच रहे हैं, अगर मैडम ली और जिया ये सब में है तो उन्होंने ये सब कुछ टियन के सीक्रेट को छुपाने के लिए किया है, और मैं नहीं चाहता कि टियन का सीक्रेट रिवील हो जाए, क्योंकि इस सब के बाद केवल टियन को ही तकलीफ होगी। बुआ कहती है, क्या टियन का सीक्रेट इतना सीरियस है कि तुम मुझे भी नहीं बता सकते। यांग कहता है, मेरे लिए टियन का सीक्रेट बिल्कुल भी सीरियस या किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है, और आपको भी ये सीक्रेट जानने की जरूरत नहीं है, वरना आपको भी डिस्करेज्ड फील होगा क्योंकि आप टियन की मदद के लिए कोई तरीका नहीं ढूंढ पाएंगी। बुआ कहती है, पर शायद मिस्टर सॉन्ग को कुछ पता चल गया है, उन्होंने सीक्रेटली हम दोनों को बात करने के लिए भी बुलाया। यांग कहता है, मुझे भी डर है कि अगर फादर को सच पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बुआ कहती है, तो क्या हम उन्हें सच ना बताएं, एक गिल्टी पर्सन को बिना सजा के ऐसे ही जाने दें। यांग कहता है, मुझे पता है ये सही नहीं है, पर अगर हम वो करते हैं जो सही है तो केवल टियन को सफर करना पड़ेगा जो कि बिल्कुल इनोसेंट है। ये सारी बातें नुआन सुन लेती है और जाकर सीधा चांद को बताती है। वो चांद से कहती है, टियन का सीक्रेट इतना बड़ा है कि यांग ने बुआ को भी नहीं बताया है, जबकि बुआ को तो वो अपनी रियल मदर जैसा समझता है। चांद कहती है, ये यांग बिल्कुल पागल हो गया है, अपनी माँ की मदद नहीं करना चाहता, मैं उसे कैसे फोर्स करूँ कि वो मुझे सच बता दे। उस रात बुआ से मिलने के लिए सॉन्ग वहाँ आता है। सॉन्ग उससे कहता है, क्या टियन का सीक्रेट उसकी मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि जब भी हम उसकी शादी के बारे में बातें करते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ बहाने बना देता है या टाल देता है। बुआ कहती है, हाँ शायद ऐसा हो सकता है। तभी पाओ कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीक्रेटली उनकी कोई ऑलरेडी वाइफ हो और एक बच्चा भी हो। बुआ कहती है, अगर ऐसा है तो उसे ये बात हमसे छुपाने की जरूरत क्यों पड़ेगी। पाओ कहता है, हो सकता है कि जिससे मिस्टर टियन ने शादी की है वो एक बुरी औरत हो। सॉन्ग कहता है, या फिर हो सकता है उस वुमन की ऑलरेडी एक फैमिली हो। पाओ कहता है, हाँ बिल्कुल, मिस्टर टियन अगर ऐसी एक औरत से शादी करेंगे तो हमारी फैमिली के लिए ये सच में एक शर्मनाक बात होगी। सॉन्ग पाओ को ऑर्डर देता है कि आज से वो टियन और यांग पर हमेशा नजर रखे। यांग पिन से मिलने के लिए जाता है। पिन देखती है कि यांग काफी परेशान था, तो पिन उससे पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो। यांग उससे कहता है, मेरे दिमाग में एक बात चल रही है, क्या तुम प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद करोगी, मेरा कोई अपना है जिसके बारे में मुझे एक सच पता चला है।
अगर उसका सच बाहर आता है तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, पर अगर मैं कुछ नहीं करता और ऐसे ही बैठा रहता हूँ तो वो फ्यूचर में सफ़र करेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे उसकी मदद कैसे करनी चाहिए। पेन कहती है, तो तुम एग्जैक्टली क्या चाहते हो? यांग कहता है, मैं बस उसे किसी भी तरीके की मुसीबत में नहीं देखना चाहता। पेन कहती है, तुमने अभी खुद कहा ना कि अगर तुम कुछ नहीं करते तो ये बात उसे फ्यूचर में परेशान करेगी, तो फिर शायद तुम्हें अब उस पर डिसीजन छोड़ देना चाहिए। कभी कभी हमें उन लोगों को उनके मैटर को खुद डिसाइड करने के लिए छोड़ देना चाहिए। सॉन्ग और ली साथ में थे, तभी पाओ वहाँ आता है और सॉन्ग के कान में कुछ कहता है। सॉन्ग ली से कहता है, मुझे वेयर हाउस में ज़रा काम है तो मैं चलता हूँ। सॉन्ग सीधा डॉक्टर ची से मिलने के लिए पहुँचता है। वो डॉक्टर ची को वही टूथ देते हुए कहता है, मैंने उस जगह खुदाई करवाई तो मुझे ये ह्यूमन टीथ मिला है, पर मैं शॉक्ड हूँ कि बाकी सारी बॉडी कहाँ गई होगी। डॉक्टर ची कहता है, एक तरीके की मेडिसिन है जो एक लाश को बिना किसी नामो निशान के पूरी तरीके से भस्म कर सकती है। क्या तुम्हें जिया और मैडम ली को छोड़कर किसी और पर भी शक है? तो सॉन्ग कहता है, इस वक्त तो मुझे हर किसी पर शक है। शाम के समय यांग टियन के पास आता है और उसे अपसेट बैठा हुआ देखकर कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुमसे हमेशा कहा है, चाहे जो भी कुछ हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। चांद वहाँ पहुँच गई थी और छुप छुप कर उन दोनों की बातें सुन रही थी। यांग टियन को एक बॉक्स देता है, ये वही बॉक्स था जिसमें वो मशरूम्स रखे हुए थे। टियन कहता है, ये तो वही मशरूम्स है ना जो हमारे घर के पीछे उग रहे थे? यांग उससे कहता है, टियन मुझे माफ़ कर दो, पहले मैंने सोचा था कि मैं इसके बारे में सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करूंगा, पर अब मुझे तुम्हें सच बताना होगा, ये मशरूम्स ब्लड सकिंग मशरूम्स हैं। तुम्हें वो दिन याद है जब हम डोंग की बॉडी का अंतिम संस्कार करने वाले थे? मैडम ली ने जिया को उसकी बॉडी की रखवाली करने के लिए वहाँ पूरी रात तक रखा था। टियन कहता है, शायद वो सच नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यांग उससे कहता है, टियन उस दिन मशरूम्स हम सब ने मिलकर खाए थे, पर केवल मैडम ली की ही तबीयत क्यों खराब हुई? उन्हें वॉमिटिंग होने लगी और तो और वो बीमार भी हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मशरूम्स कहाँ से आए हैं, ये मशरूम डोंग की बॉडी पर उगे थे। मुझे माफ़ कर दो कि मुझे तुम्हें ये सब कुछ बताना पड़ रहा है, पर अगर मैं आज ये बातें नहीं करूँगा तो ये सारी बातें तुम्हें फ्यूचर में इफ़ेक्ट करेंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस सब के लिए पहले से ही तैयार रहो, जिससे आगे कुछ भी हो तुम पहले ही इससे डील कर लो। टियान कहता है, अगर ये सच है तो मैं ये सब कुछ कैसे हैंडल कर पाऊँगा? इसका मतलब मदर एक मर्डरर है, उन्होंने किसी की जान ली है? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यांग, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि वो मेरा सीक्रेट छुपाना चाहती थी। ये सारी बातें सुन रही थी। टियान यांग को बताने ही वाला था कि उसका सीक्रेट क्या है, पर यांग ये देखकर कि टियान की हालत खराब हो रही है उसे गले से लगा लेता है और उससे कहता है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। टियान ये सब देखकर कहती है, तुम सच में एक बास्टर्ड हो यांग। अभी उसे ये सोचकर वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है कि उन्होंने डोंग की बॉडी के मशरूम्स खाए थे। वो ये बात जाकर न्यूएन को बताती है। न्यूएन उससे पूछती है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? क्या हमें मिस्टर सॉन्ग को सच बता देना चाहिए? तो चान कहती है, नहीं, हम हमेशा फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम बिना किसी एविडेंस के मिस्टर सॉन्ग के पास पहुंच जाते हैं। अब हमें पहले कोई एविडेंस ढूंढना होगा, उसके बाद ही हम मिस्टर सॉन्ग को सारा सच बताएंगे। जिया और ली जब जिया के रूम में आते हैं तो जिया देखती है वहाँ टियन ऑलरेडी मौजूद था। टियन उन दोनों से कहता है, मैं यहाँ पता लगाने आया था कि आप दोनों उससे क्या छुपा रही हैं, तो आपने इसका इस्तेमाल किया है डोंग को मारने के लिए? जिया उससे वो छीन लेती है, तभी टियन कहता है, मुझे उसे वापस दे दो, मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ कि घर के पीछे जो मशरूम्स उग रहे थे वो डोंग की लाश पर थे। जिया उससे कहती है, लोगों की फालतू बातों को मत सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। टियन कहता है, अगर ऐसा नहीं है तो आपने डोंग की लाश को किसी और की लाश से क्यों बदला? माँ ने आपको क्यों ऑर्डर दिया कि आप डोंग की लाश की रखवाली करें? ली उससे कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने और जिया ने मिलकर ये सब किया है तो जाकर सबको खबर कर दो और हमें कैद करवा दो। टियन गुस्से में वहां से चला जाता है और बाहर जाकर गोंग बजाने लगता है। तभी ली भी उसके पास आती है। ली उससे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? टियन कहता है, आज मैं सबको सच सच बता ही दूंगा कि मेरा सीक्रेट क्या है, फिर आप लोगों को मेरी वजह से मुसीबत में पड़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। ली कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें पता है ना इसके बाद तुम सब कुछ खो दोगे। टियन कहता है, तो मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ। तभी यांग भी वहां आता है और टियन को रोकता है। धीरे धीरे करके सब लोग वहां इकट्ठे होने लगते हैं। सॉन्ग कहता है, टियन क्या हुआ, तुमने इतनी रात को सबको यहाँ क्यों बुलाया है? ली टियन से कहती है, अगर तुमने आज सच बताया तो तुम्हें मेरी लाश पर से होकर गुजरना पड़ेगा। टियन आखिरकार कुछ नहीं कह पाता। सॉन्ग फिर से कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है?
तभी ली कहती है, मैंने और टियन ने एक सांप को देख लिया था, हम घबरा गए थे इसलिए टियन ने गोंग बजाया। रूम में जाने के बाद जिया कहती है, अब हम टियन का क्या करेंगे? तो ली कहती है, उसे अभी ऐसे ही रहने दो, वो अभी दुखी है, बाद में जाकर मैं खुद उससे बात करूंगी। जिया कहती है, पर आखिरकार वो कौन है जिसने टियन को वो मशरूम्स दिए होंगे? ली कहती है, वो जो भी इंसान है हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। अगले दिन बुआ सॉन्ग से कहती है कि आपको शक हो रहा है कि मिस्टर टियन ने गोंग किसी और वजह से बजाया था? सॉन्ग कहता है, हाँ मुझे नहीं लगता कि उसने सांप देखने की वजह से ऐसा किया होगा। अभी पाओ वहाँ आता है और कहता है, टियन को आजकल मिस्टर मा के नेबरहुड में जाना काफी पसंद है, वहाँ काफी लड़कियां भी हैं जो टियन को जानती हैं और पसंद करती हैं, पर टियन उनमें से किसी भी लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है। सॉन्ग कहता है, इसका मतलब टियन का सीक्रेट किसी वुमन को लेकर तो नहीं हो सकता। तभी हमें मर्द दिखाई जाती है जो रास्ते में जा रही थी। दो लड़की अचानक उसके साथ बदतमीजी करने लगती हैं। वो जोर जोर से चिल्लाती है, तभी जियो उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो दोनों लड़के मर्द से कहते हैं, अगर तुम्हें एक हस्बैंड नहीं चाहिए तो तुम्हें इस तरीके के कपड़े पहनकर बाहर नहीं निकलना चाहिए। जियो कहता है, वो चाहे कैसे भी कपड़े पहने, तुम इस तरीके का सलूक नहीं कर सकते। उन लोगों में लड़ाई हो जाती है और जियो उन लोगों को मारने पीटने लगता है। तभी जियो उन्हें वहां से जाने का इशारा करता है। दरअसल उन दोनों लड़कों को जियो ने ही भेजा था। उनके जाने के बाद मर्द जियो को थैंक्स कहती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या करने आए थे? मर्द जियो को टियन के पास लेकर आती है। टियन उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। मर्द कहती है कि यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आया है, पर तुम्हें देखकर लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। टियन उससे अकेले में बात करता है और पूछता है, उस दिन के बाद से जब किसी ने मुझे शूट किया था, हम दोनों की बात ही नहीं हो पाई है। मैं कई बार तुम्हारे घर भी गया, पर तुम्हारा घर हमेशा बंद था। तो जियो उसे बताता है कि मैंने अपना घर बदल दिया है। टियन कहता है, तुमने अपना घर क्यों बदला? उन कल्प्रिट की वजह से? वो लोग कौन है? तो जियो कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग जिन्होंने उस दिन तुम पर हमला किया था वो चोर थे, उन्होंने तुम्हें लूटने के पर्पज से तुम पर हमला किया था। मैंने घर इसलिए बदल दिया क्योंकि मेरे पास रेंट देने के लिए अब पैसे नहीं थे। मुझे तुम्हारी कहीं बात याद आई, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं कभी भी मुसीबत में हूँ तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, इसलिए मैं यहाँ जॉब के लिए चला आया। टियन कहता है, तुम्हारे भाई बहन मई और फू कहाँ हैं? तो जियो कहता है, मैंने उन दोनों को अपने एक रिलेटिव के घर छोड़ दिया है। टियन कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें अपनी जॉब की परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो तुम यहाँ क्या करना चाहोगे, अकाउंट्स या फिर पेपर वर्क? तो जियो कहता है, मैं ये सब नहीं कर सकता, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, मैं एक अनपढ़ हूँ, मैं केवल एक लेबर जॉब ही कर सकता हूँ। ये सुनकर टियन कहता है, तुम पढ़ना लिखना नहीं जानते, पर तुम सीख तो सकते हो ना, आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। बचपन से हमें ये सब चीज़ें नहीं आती थी ना, जैसे जैसे हम बड़े होते गए हम सीखते गए, इसी तरह मुझे विश्वास है कि तुम भी धीरे धीरे सीख जाओगे, बस थोड़ा समय लगेगा, तब तक के लिए मैं तुम्हें स्मॉल जॉब्स देता रहूँगा। जियो अकेले में बैठा टियन की बातों को ही सोच रहा था। एक तरफ टियन के लिए उसे फीलिंग्स थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे दुख भी हो रहा था क्योंकि वो यहाँ किसी और पर्पस से आया था। उसे माँ ने वहाँ भेजा था, माँ ने उससे कहा था कि अगर तुम टियन को जान से नहीं मार सकते तो तुम्हें उसके सीक्रेट के बारे में पता लगाना होगा, अगर तुम उसका सीक्रेट पता लगा लोगे तो तुम सोच लेना कि तुमने टियन की जान बचा ली है। वो ये सब सोच ही रहा था तभी मर्द उसके रूम में आ जाती है। मर्द उससे कहती है, तो मिस्टर टियन ने तुम्हें यहाँ रहने के लिए कहा है? वो उससे कहती है कि ये रूम मेरे रूम से ज़्यादा दूर नहीं है, तुम्हें अगर कभी भी लोनली फील हो तो कभी भी मेरे रूम में आ सकते हो और मुझसे बात कर सकते हो। वो जियो के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है पर जियो उस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। अचानक से वो गिर जाती है और पैर में मोच आने का दिखावा करने लगती है। जियो उसकी मदद करने के लिए आता है तो वो जियो को कस के पकड़ लेती है। जियो को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसी वक्त टियन भी उसके रूम की तरफ चला आ रहा था। मर्द अब जानबूझकर अपने साथ जियो को भी बेड पर धक्का दे देती है। जियो उससे अलग होने की कोशिश करता है पर तभी टियन रूम में आ जाता है और उन दोनों को साथ में देख लेता है। टियन को काफी बुरा फील होता है और वो तुरंत वहां से चला जाता है। जियो भी उसके पीछे पीछे जाता है। जियो उससे कहता है, वैसा कुछ भी नहीं है जो तुमने देखा, तुमने मुझे गलत समझ लिया। तो टियन उससे कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं समझा, और तुम जो चाहे वो कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ है, चाहे तुम किसी को भी पसंद क्यों ना करो। जियो उससे कहता है, तुम मुझसे नाराज क्यों हो, क्या इस वजह से कि तुम मर्द को पसंद करते हो? टियन उससे कहता है, मैं मर्द को पसंद नहीं करता, मैंने उसके बारे में कभी इस तरह नहीं सोचा, वो बस इस घर का एक हिस्सा है, मेरे और उसके बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है।
पर शायद तुम उसे पसंद करते हो। जियो कहता है, मैं भी मर्ट को पसंद नहीं करता, मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है। अगर तुम मुझे और मर्ट को लेकर नाराज नहीं हो फिर तुम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों हो। टियन उससे कहता है, भूल जाओ ये सब, और वहां से चला जाता है। पर जियो मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर जी उस टीथ के बारे में पता लगा लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इस टीथ पर बीटल ऑर्किड्स लगे हुए थे। अगले दिन ली अपने पास बुआ को बुलाती है और उससे कहती है, बुआ मुझे पता चला है कि मेरे बेटे को किसी ने कुछ अजीब सी बातें कही हैं। कोई तो है जो हम दोनों के बीच दरार डालना चाहता है। तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें टियन की सेकेंड मदर भी बनाया है। हमें हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए बुआ। बुआ कहती है, हाँ मैं समझ सकती हूँ, अब मुझे चलना चाहिए। वो जाकर तुरंत यांग को बताती है कि शायद मैडम ली को हम पर शक हो गया है। यांग कहता है, मैंने टियन को मैडम ली और जिया के बारे में सब कुछ बता दिया है। बुआ कहती है, अब हमें केयरफुल रहना होगा यांग। दूसरी तरफ टियन ने जियो को पढ़ाना शुरू कर दिया था और उसे छोटे छोटे शब्द सिखा रहा था। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और साथ में मस्ती भी कर रहे थे। टियन अब जियो को उसका नाम भी लिखना सिखाता है। अचानक से दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ जाते हैं। टियन उससे कहता है, तुमने काफी जल्दी बहुत कुछ कैच कर लिया, तुम जल्दी ही पढ़ना लिखना सीख जाओगे। तभी जियो कहता है, काश मेरे भाई बहनों को भी तुम इसी तरह पढ़ा सकते जिससे बड़े होकर वो नॉलेजेबल बने, ना कि मेरे जैसे स्टूपिड, ताकि उनके पास जॉब के लिए और भी ऑप्शंस हो। उसे दुखी देखकर टियन उसका हाथ पकड़ लेता है। टियन उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, जब फू और मैं थोड़ा बेटर फील करेंगे तो तुम उन्हें यहाँ ले आना, मैं उन्हें भी पढ़ा दूंगा। जियो कहता है, थैंक यू सो मच टियन। अब जैसे ही टियन झुकता है अचानक से जियो के लिप्स टियन के चीक से टच हो जाते हैं। वो दोनों फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर तभी सॉन्ग वहां पहुंच जाता है। टियन कहता है, डैड ये जियो है, ये नया वर्कर है जिसे मैंने हायर किया है, इसने मेरी जान बचाई थी जब जापानी सोल्जर्स ने हम पर हमला कर दिया था। सॉन्ग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने टियन पर एहसान किया है, थैंक यू सो मच। जियो बाकी सारे सर्वेंट्स के साथ बैठकर डिनर कर रहा था, तभी मर्ट उसके साथ फ्लर्ट करने के लिए वहां भी चली आती है। तभी एक नौकरानी कहती है, मर्ट तुम किसी भी मेल वर्कर को नहीं छोड़ती ना, क्या अब तुम्हें मिस्टर टियन की परवाह नहीं करनी, क्या तुम्हें उनके पास नहीं जाना। मर्ट कहती है, मिस्टर टियन हमारे बॉस हैं, मैं उनके पास इसलिए जाती हूँ क्योंकि हमारी जॉब है। जियो कहता है, क्या तुम सच में मिस्टर टियन के इतने ज्यादा क्लोज हो। तभी एक और नौकरानी कहती है, ये तो हर किसी मेल के क्लोज है, इसे बस अपनी लाइफ में मैन चाहिए। जियो पूछता है, तो मिस्टर टियन किसके सबसे ज्यादा करीब है। तो वो नौकरानी कहती है, जहाँ तक मुझे लगता है वो अपने भाई यांग के सबसे ज्यादा नजदीक है। एक और नौकरानी कहती है, तुम लकी हो जियो, मिस्टर टियन ने तुम्हें काम पर रख लिया, वो बहुत ही ज्यादा हम्बल है, बहुत काइंड है, सारे वर्कर्स उन्हें बहुत प्यार करते हैं। दूसरी नौकरानी कहती है, हाँ कभी कभी मुझे लेडी पिन से जलन होती है जो कि मिस्टर टियन की फियांसे हैं। जियो कहता है, टियन की फियांसे भी है, ये सुनकर उसे थोड़ा बुरा लगता है। मे और फू माँ के पास रह रहे थे, मे की हालत काफी ज्यादा खराब थी, उसका दर्द जा ही नहीं रहा था। माँ उसे कई बार मेडिसिन देने की कोशिश करता है पर उसे काफी पेन हो रहा था। माँ अपने आदमी से कहता है, उस लड़की की कंडीशन ज्यादा सीरियस लगती है, उसकी दवा की क्वांटिटी बढ़ा दो। तो वो आदमी कहता है, पर उस दवा को ज्यादा क्वांटिटी में देने से उसकी जान भी जा सकती है। माँ कहता है, हमें उसका ख्याल रखना होगा क्योंकि अगर वो हमारे पास है तो जियो हमारे लिए कुछ भी करेगा। जिया और ली आपस में बातें कर रहे थे, तभी पाओ वहां आता है और उनसे कहता है, आपको मिस्टर सॉन्ग ने मिलने के लिए बुलाया है। जब वो सॉन्ग के पास पहुंचते हैं तो डॉक्टर ची वहां मौजूद था। सॉन्ग कहता है, मैं तुमसे सीधी बात करूंगा, मुझे उन ब्लड सकिंग मशरूम्स के बारे में पता चल गया है ली, और बीटल ऑर्किड्स के बारे में भी। ली अचानक घबरा जाती है और कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सॉन्ग कहता है, उस जगह जहां पर मशरूम्स उग रहे थे वहां मैंने खुदाई करवाई थी, जहां से मुझे ये दांत मिला। मैंने ये दांत डॉक्टर जी को दिया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये दांत जिस ह्यूमन का है उसकी मौत बीटल ऑर्किड्स की वजह से हुई है। टियन के सीक्रेट को छुपाने के लिए तुमने डोंग की जान इस तरीके से ली, मुझे विश्वास नहीं होता। ली कहती है, आप क्या बातें कर रहे हैं, टियन का कोई सीक्रेट नहीं है, क्या आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है। आपको एक लाश का दांत मिला और आप मुझ पर शक कर रहे हैं कि मैंने उसे जान से मारा है। डॉक्टर जी कहता है, एक टीचर अपने शिष्य के वर्क को बहुत जल्दी पहचान जाता है। जिया मैंने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया था जिससे तुम लोगों की मदद कर सको, ना कि लोगों की जान ले सको। सॉन्ग अब पाओ से कहता है, पाओ जाकर जिया के रूम की तलाशी लो।
नुआन और जान को ये बात पता चलती है और वो लोग भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। डॉक्टर जी जिया के रूम की तलाशी लेता है पर उसे कुछ नहीं मिलता। दरअसल जिया ने ऑलरेडी सारे बीटल ऑर्किड्स को एक जगह गाड़ दिया था। ली सॉन्ग से कहती है, अगर आपको अभी भी लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है तो आप मेरे खिलाफ सबूत ढूंढिए। तभी नुआन और चान वहाँ पहुँच जाते हैं और नुआन कहती है, मुझे पता है कि सबूत कहाँ है, मैंने जिया को उस दिन कुछ गाड़ते हुए देख लिया था। जिया कहती है, फालतू बकवास मत करो, क्या तुम भी मुझे मिस्टर सॉन्ग की तरह फंसाना चाहती हो। सॉन्ग कहता है, नुआन अभी के अभी मुझे उस जगह ले चलो। सब लोग उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ नुआन ने जिया को कुछ गाड़ते हुए देखा था। अब जिया को भी डर लगने लगता है। चान ये बात जाकर सारे वर्कर्स को बता देती है कि मैडम ली के खिलाफ सबूत मिलने वाला है। अब सबको पता चल जाएगा कि मैडम ली ने ही डोंग की जान ली है, वो भी सिर्फ टियन के सीक्रेट को छुपाने के लिए। जियो भी ये सारी बात सुन लेता है। सारे वर्कर्स जब बाहर आते हैं तो सॉन्ग पूछता है, ये सारे वर्कर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। चान कहती है, मैं तो बस अंदर गई थी, ये लोग मुझे अपने आप ही फॉलो करते हुए यहाँ आ गए, और जब आ ही गए हैं तो इन्हें भी पता चल जाना चाहिए कि डोंग की मौत किस तरीके से हुई है। वो जिया के इंसेक्ट की वजह से हुई है। डोंग की लाश पर मशरूम्स उगे थे, ये वही मशरूम्स हैं जो हम लोगों ने खाए भी थे। सब लोगों को वॉमिटिंग जैसा फील होने लगता है। आखिरकार पाओ को खुदाई के बाद एक बॉक्स मिल जाता है। अब सब लोगों की नज़र सिर्फ उस बॉक्स पर थी कि उस बॉक्स में क्या होगा। जिया भी काफ़ी डरी हुई थी। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।